इन दिनों किसान अपनी मूंग की उपज लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने की समस्या के कारण किसान काफी परेशान हैं, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी देखी जा रही है। वही सोमवार को कमला वेयर हाउस पांडा गांव पर किसानों में काफी आक्रोश के साथ विरोध देखने को मिला। वहीं तहसीलदार लाखन चौधरी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और टोकन देते हुए कहा कि जब भी पोर्टल चालू होगा आपकी उपज सबसे पहले खरीदी जाएगी। दरअसल क्षेत्र में मूंग खरीदी केंद्रों पर कुछ दिनों से पोर्टल बंद होने की परेशानी आ रही है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वही ग्राम पांडा गांव के कमला वेयर हाउस में किसानों का विरोध देखने को मिला। सूचना मिलने के बाद तत्काल तहसीलदार लाखन चौधरी मौके पर पहुंचे और समझाइश देते हुए जल्द ही खरीदी चालू करवाने की बात कही। तहसीलदार चौधरी ने किसानों को टोकन देकर कहा कि जब भी पोर्टल चालू होगा सबसे पहले आपकी उपज की तुलाई की जाएगी। अब किसानों में यह चिंता सता रही है कि उनकी फसल खुले आसमान के नीचे है और मौसम हर पल अपना मिजाज बदल रहा है। कहाँ के निवासी हैं? किस प्रकार से उपज में परेशानी आ रही है और क्या निराकरण निकाला उसका अधिकारियों ने? सर, निराकरण ये निकाला है कि जैसे पोर्टल चालू होगा माल के साथ का खुल जाएगा और हमें किसान भाइयों को टोकन दी गई है 150 के आसपास, तो इसका निराकरण ये हुआ है तो हमें बात मंजूर की है। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। सर, आज का क्या मामला था, किसानों ने क्यों विरोध किया और आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए? आज जैसा कि सभी को पता है NIC की जो साइट है, NIC का जो सर्वर है उसमें प्रॉब्लम आई हुई थी। NIC का पोर्टल चल नहीं रहा था, उस वजह उसमें मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, उस वजह से जो आज खरीदी उपार्जन का काम नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने पहले से कॉपरेटिव विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत कराने का प्रयास किया था। कॉपरेटिव विभाग के द्वारा जो है थोड़ा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गया होगा, जिससे किसान यहाँ पर मौके पे आ गए थे अपना फसल लेकर के, और उसी में थोड़ा सा उनके मन में असंतोष था कि हमारी फसल आज खरीदी जाए, लेकिन क्योंकि पोर्टल बंद होने से खरीदी नहीं हो सकती थी इसलिए थोड़ा असंतोष था, तो उनको समझाइश दे करके रवाना किया। सर, अब आगे के लिए क्या प्रबंध किया जो इस प्रकार से परेशानी ना आए? देखिए, क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, जब तक ऑनलाइन खरीदी का पोर्टल चलता रहेगा तब तक ये खरीदी चलती रहेगी। अगर किसी प्रकार का कोई बीच में मेंटेनेंस का व्यवधान आता है तो उसके बारे में हम लोग पहले से अवगत कराते हैं, और अगर हम लोगों को पहले से जानकारी होती तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विभाग के माध्यम से किसानों को जानकारी हो जाए ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और जिस प्रकार से जो आज किसान यहाँ पर जो उपज लेकर आ चुके हैं उनके लिए क्या प्रबंध? जो किसान आज उपज लेकर के यहाँ पर आए थे उनको हमने टोकन बंटवा दिए हैं, और आगे जो जैसे पोर्टल चालू होगा वैसे हमारा सबसे पहला प्रयास ही रहेगा कि जिन किसानों को आज हम लोगों ने टोकन वितरण किया उन्हीं की पहले उपार्जन किया जाए, उसके बाद ही फिर अन्य किसानों को मैसेज जाए। वैसे सर, कब तक उम्मीद है कि किसानों की उपज जो पोर्टल है चालू हो जाकर किसान अपनी उपज तुला पाएंगे? पोर्टल के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि NIC का है पोर्टल, लेकिन फिर भी जैसा कि कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई थी, कलेक्टर महोदय ने बताया कि आज शाम तक पूरा प्रयास हो रहा है कि पोर्टल चालू हो जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नसरुल्लागंज से मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।